स्वागत है आपका नए से वीडियो में। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो में बात करेंगे द रीजन ऑफ फीलिंग लॉस्ट। फीलिंग लॉस्ट एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे लगता है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो आपके अगेंस्ट है, और ऐसा हम सिचुएशन कह सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी जो लाइफ है अनस्टेबल हो चुकी है और आप काफ़ी पीछे रह चुके हैं लाइफ में। ये रियलिस्टिक भी हो सकता है, अनरियलिस्टिक भी हो सकता है, तो आप इसे क्यूटली जज मत करिए। आप जब इसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो पता चलेगा कि ये सब चीज़ें सब माइंडसेट का खेल है और कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टाइम और टेम्प्रोरी चीज़ें हैं, तो इससे उतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लाइफ में आता ही है, तो कैसे हम डील कर सकते हैं इन चीज़ों से जानेंगे आज की वीडियो में। गाइस, फर्स्ट रीजन इज़ द अनस्टेबल माइंडसेट ड्यू टू रिलेशनशिप एंड कैरियर। हाँ, हमारी जो लाइफ की सिचुएशन है गाइस, ऐसा फेज जहाँ पे हम अनस्टेबल हो जाते हैं कैरियर को लेके और रिलेशनशिप को लेकर, ये फेज गाइस सिंपली 19 से लेके 25 के बीच तक का ही होता है। जब हम टीन एज में होते हैं 13 से लेके 19 तक, ये फेज हमारे लिए ऐसा फेज होता है जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं हमारे अंदर, और हमारे अंदर मेंटल लेवल पे फिजिकल लेवल पे काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं जिससे हम 19 के बाद 20 में क्रॉस करते हैं, उसके बाद से गाइस हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है और हमारे डिसीजन लेने पड़ते हैं करियर के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, और भी कई चीज़ों के मामले में। तो वहाँ पर अगर चीज़ें सही ना हो पाए तो हमारे अगेंस्ट हो जाती है चीज़ें, वही बाद में रिग्रेट का भी रीज़न बनता है और कई बार हमारी फीलिंग लॉस्ट का भी रीज़न बनता है। यहाँ पे करियर वाली चीज़ें सबके लाइफ में देखने को मिल जाती है। कई बार हमें लगता है कि हम लाइफ में कई बार पीछे रह चुके हैं जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन भूलिए मत कि सबका जो टाइम स्टैम्प है वो अलग है। मीन्स कि आप अगर 21 पे जॉब नहीं मिला तो कोई ना, आप एफर्ट्स लगाइए 22-23 पे मिल जाएगी। सबका जो टाइम पीरियड है वो अलग है। साथ होते हुए भी कई बार हम गलती करते हैं कि कंपैरिजन करने लगते हैं, जिसके कारण क्रिएट होता है फोमो, वो जो कि हमें बर्बाद करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए आप इसे दूरी रखिए और जो रियल चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करिए। मीन्स कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी सूटेबल इन्वायरमेंट है, सिचुएशन है, उसको फुलफिल करने वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, और वहीं जब आप खुद से रिफ्लेक्ट बैक कर पाएंगे तो अपने थॉट्स को जानेंगे और जानेंगे कि क्या सच में वो चीज़ें आपके लिए मायने रखती है या फिर नहीं। क्योंकि कई बार हम एज ए वूमन परेशान हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि सच में हमारे लाइफ में मायने नहीं रखती, लेकिन जब हमें सच में पता चलता है कि वो चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी, तब हमें रिग्रेट होता है, तब क्योंकि हम उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगा चुके होते हैं और टाइम लगा चुके होते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन करना है और रिफ्लेक्ट बैक करना है, और जब रियल क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो सच में है, क्या वो फैक्ट बेस्ड है। और मेन थिंग इज गाइस, कई बार हमें इस एज में इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हम सबके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, और कई बार हम इमोशनली वीक पड़ जाते हैं। यही रीज़न है कि एंग्जायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें होती है जो कि थोड़ा सा पेनफुल होती है, और यही पेन होता है गाइस जो कि हमें मजबूर करता है बॉय इनटू मैन में कन्वर्ट होने में। और कई बार लोग गाइस गलती करते हैं कि एडिक्शन में चले जाते हैं। हाँ, मैंने भी चीज़ें ऑब्जर्व किया, वो चीज़ें जो शॉर्ट टाइम में आपको उस चीज़ें तो रिलैक्स फील कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी डैमेज कर देती है। ये रियल चीज़ है गाइस, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि जो ये फेज है गाइस ट्रांसफॉर्मेशन का, ये पेनफुल है, इसे टॉलरेट कर पाना मुश्किल है, इसलिए कई बार लोग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि जो मोस्ट ऑफ द एडिक्टिव पर्सन पाए जाते हैं इसी एज ग्रुप में पाए जाते हैं, क्योंकि जो उनकी एज की सिचुएशन है और जो उनकी मैंटेलिटी है और जो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती तो दूसरी चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं, जो कि गलत तो होती है। शॉर्ट टाइम में हैप्पीनेस तो देती है लेकिन लॉन्ग टाइम में बर्बाद करती है। लेकिन वही अगर आप इन चीज़ों को टॉलरेट कर पाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं, उनसे फाइट कर लेते हैं, तो पता चलता है कि ये सब चीज़ें छोटी थी, बस शॉर्ट टाइम के लिए आई, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बना कर गई, लॉन्ग टर्म में आपको लेसन्स दे के गई, ये आपके लिए ओवरऑल बेनिफिशियल हो जाता है। और एट द एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके पास वैल्यूएबल कनेक्शन होने चाहिए जहाँ पर आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर कर सकें, जहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिल सके। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं वी विल फेल एंड वी विल एडिक्टेड टू बैड थिंग्स। इसलिए इसे अवॉइड करने के लिए कई बार हमारे इन्वायरमेंट और कई बार हमारी वर्क एथिक्स और थिंकिंग को भी चेंज करना पड़ता है। थिंग गाइस जो कि मेन रीज़न बन सकता है फीलिंग लॉस्ट होने का, जब हमारे पास जेन्युइन सपोर्ट ना हो। कई बार हमें लगता है कि हम लाइफ में कई बार पीछे रह चुके हैं और किसी भी मामले में, और कई बार लगता है कि जो हमारे साथ वाले लोग हमें समझ पाएंगे कि नहीं, कहीं उल्टा जज ना कर दें, उस कंडीशन में हमें ये लगता है कि गाइस हम पीछे रह चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास जेन्युइन सपोर्ट हो और जब हमारे पास हाई वैल्यूड पर्सन है, सजेस्ट करने के लिए अच्छे लोग हो और इमोशनली सपोर्ट करने के लिए लोग हो,
तो सोचिए आपको ये सब चीज़ें टेम्प्रोरी चीज़ें आपको कभी आपको हार नहीं पहुंचा सकती। ओवरऑल देखा जाए तो एज ए वूमन हमारे पास जेन्युइन सपोर्ट होने चाहिए, इमोशनली सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट जब मिलते हैं तो वी फील स्ट्रॉन्गर, और जब यही चीज़ें नहीं मिलेगी तो वी कहीं ना कहीं वी विल बी लॉस्ट इन दिस जनरेशन और एरा। इसे अवॉइड करने के लिए हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी एफर्ट्स लगा सकते हैं, जहाँ पे सामने वालों के साथ डीप बॉन्डिंग डीप कनेक्शन बिल्ड करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है कि कई बार हम गलती करते हैं, क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, लगता है कि हम लोगों के साथ अटैच हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन भूल जाते हैं कि क्वालिटी में जब कनेक्शन होंगे तो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग हेल्पफुल होंगे, ना कि क्वांटिटी में। कई बार क्वांटिटी में होते हुए लोग भी आपको समझ नहीं पाएंगे, कई बार माइंडसेट की बात आएगी, वाइब की बात आएगी, और कई बार अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस की बात आएगी। इसीलिए जो चीज़ें आपके लिए सूटेबल है उसके ऊपर काम करिए, ना कि हर एक चीज़ पर, क्योंकि एट द एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ ही चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, कुछ ही चीज़ें वैल्यूएबल है, और सब चीज़ें अननेसेसरी है। इस पर पार्ट्स लगा के टाइम लगा के कोई मायने नहीं है। इस पर असली चीज़ है गाइस कंपैरिजन और फोमो जैसी चीज़ें, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। लगता है कि कई बार हम कुछ चीज़ों को छूट रहे हैं हमारे लाइफ में, जब दूसरों के लाइफ स्टाइल को देखते हैं और दूसरों के वे ऑफ लिविंग को देखते हैं तो जज कर बैठते हैं खुद को, लगता है कि उनकी लाइफ ही बेहतर है, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं, जो हम पाथ पे चल रहे हैं वो खराब ही है। लेकिन भूल जाते हैं कि हम दूसरों से कंपेयर ना करें तो बेहतर होगा, कि आप भी देखिए जो चीज़ें उनके पास है आपके पास ही होगी, बस आपको राइट एफर्ट्स, राइट माइंडसेट और राइट डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एवरीथिंग इज अचीवेबल बाय वूमन और एज ए वूमन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पे वरीनेस रिग्रेट की बजाय आप सही चीज़ों पर काम करिए। तो गाइस आज की वीडियो हमने तीन चीज़ों के बारे में बात किया, तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा आज का वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्द, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।